अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह आँख देर से खुलती है या पराठे वगैरह बनाने का नाश्ता बनाने का दिल नहीं जा रहा होता, तो आपने फटाफट से मेरी इस रेसिपी को फॉलो करना है और मिनटों में मज़ेदार सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट तैयार करके टेबल सजा देनी है। और ये कैसे बनेगा ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान तरीका है इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने लिए हैं 3 अंडे और इसमें मैं शामिल करती हूँ नमक। इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। इसमें पिसी लाल मिर्च जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कीजिएगा। इसके अलावा इसमें जो मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ, पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए, थैंक यू। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये कुछ अज़ा। इसमें प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप की हुई है, थोड़ी सी प्याज है, हरा धनिया है, 2 मिर्चें हैं और छोटा सा टमाटर है। ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। चलिए, अंडे अच्छे से बीट हो गए हैं, तमाम चीजें भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ मेरे पास हैं कुछ ब्रेड के स्लाइसेस, इन्हें इस्तेमाल करेंगे और अब इसे बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पैन लेना है, पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी शामिल करूंगी। मैंने मीडियम को लो किया है। चलिए, इसके अंदर हम अपना एक स्लाइस रखते हैं ब्रेड का। इस स्लाइस के ऊपर हमने अपना ये आमदर्श डालना है। इसमें इसको फैला दें अच्छे से पूरे उसमें। बस 1 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। और इस साइड पर भी हम अपना ऑमलेट डालेंगे और 1 मिनट लगेगा और हमारी ब्रेड ऑमलेट या आप जो भी कह रहे हैं ब्रेड टोस्ट वो बिल्कुल रेडी होगी। थोड़ा सा घी हम इन साइडों पर भी शामिल करते हैं, साइड को चेंज करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ऑमलेट तैयार हो रहा है, ब्रेड ऑमलेट हमारा तैयार हो रहा है। बस अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। हमारा इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। आप इसे ब्रेड टोस्ट भी कह सकते हैं या ब्रेड ऑमलेट भी कह सकते हैं, जो भी कहें, लेकिन ये बहुत मज़े का बना है और क्विक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।